रियलमी 11 प्रो प्लस लेने वाले हो, रुक जाइए। नहीं नहीं क्या जल्दबाजी है इस फोन को लेने की। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आप लोगों को जान लेना काफ़ी जरूरी है। मिस्टेक नंबर वन, वो मेरे को लगा इस फोन के प्रोसेसर में। अब यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब अगर आपकी नीड है सिर्फ गेम खेला, तब तो ये फ़ोन आपके लिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ऐसा नहीं कि गेमिंग के लिए एकदम से बेकार है, यहाँ पर आप नॉर्मल गेमिंग भी कर पाओगे। अब यहाँ पे इस फोन में आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं, फालतू के एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऐड भी देखने को मिलेगा। अच्छी बात है, यहाँ पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर पाओगे, ऐड को भी डिसेबल कर पाओगे। और बाकी अगर आपको लगता है कि नॉर्मल यूज़ से आपका काम चल जाएगा, आपकी नीड है सिर्फ एक कैमरा फ़ोन, तब डेफिनेटली आप इस फोन को बाय कर सकते हो। अब अगर आपको गेमिंग ही करनी है तो iQOO Neo 6, iQOO Neo 7, Realme GT Neo 3T को बाय कर सकते हो, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाओगे।